क्या नाम है? कावासाकी ZX 10R ZX 10R। Hey everyone, welcome back to my channel, welcome back to a new video. So I hope all of you doing well. इस वीडियो में मैं आपको ZX 10R के जो कंट्रोल है ना वो आपको कंट्रोल समझाने वाला हूँ। तो जैसे मैं बाइक ले रहा था ना तो भाई उनको भी ये कंट्रोल पता नहीं थे बाइक के कंट्रोल कैसे होते हैं। वो तो तब की शोरूम में काम कर रहे हैं यार, वो डेली ZX 10R चलाते हैं। तो यू नो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक थोड़ा सा लोगों के लिए, कोई भी अगर न्यू ZX 10R लेने की सोच रहा है तो उसकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी एंड ऑल दैट। तो इसके लिए मैं आपको जल्दी से इसके थोड़े बहुत कंट्रोल, जो बेसिक कंट्रोल्स हैं, वो समझाने वाला हूँ। तो चलो गाइस जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो मैं आपको इसका कंट्रोल समझाना चाहता हूँ वो है लॉन्च कंट्रोल। तो भाई लॉन्च कंट्रोल शोरूम में किसी को समझ में नहीं आता कि कैसे इसका लॉन्च कंट्रोल यूज़ करते हैं। तो गाइस इसका लॉन्च कंट्रोल कैसे ऑन करते हैं मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। पहले ये जो सिलेक्ट वाला बटन है ये दबाना है, एंड ये मोड वाला जो है ऊपर वाला ये दबाना है। तो ये दोनों एक साथ में आपको प्रेस करने हैं। तो ये देखते हो KLCM ऑन हो गया, इसका लॉन्च कंट्रोल ऑन हो गया। तो मैं इसको 5000 RPM तक ना अगर एकदम से जैसे एक्सेलरेट करता हूँ तो इसमें व्हीली पॉप नहीं होगी। तो ये ड्रैग रेसेस में बहुत ज़्यादा काम आता है। अगर आप ड्रैग रेसेस कर रहे हो या एकदम से आपको एक्सेलरेट करना है उसमें आपकी व्हीली पॉप नहीं होगी, बिल्कुल रोड पर चिपक के ना एकदम से गोली की स्पीड से भागेगी। तो दूसरा जो मेरे को इसका बताना है आपको, जो दूसरा टेस्ट करना है वो है क्रूज कंट्रोल। तो क्रूज कंट्रोल कैसे ऑन करें और कैसे उसमें स्पीड सेट कर सकते हैं मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। तो गाइज हाउ टू टर्न ऑन क्रूज कंट्रोल इन ZX 10R। सो यू हैव टू प्रेस दिस बटन, फिफ्टी सिक्स पे आराम से स्टडी चल रही है। मैं आराम से रिलैक्स हो गया हूँ 57 पे जैसे अब चल रही है। ब्रेक दबाने की जरूरत ही पड़ रही है, एंड सो ब्रेक दबते ही ज़रा सा एक्सेलरेट करते ही ना ये आपका क्रूज कंट्रोल हट जाएगा, यू नो। तो भाई क्रूज कंट्रोल बहुत काम की चीज़ है। अगर आप लंबे राइड पे जा रहे हो या कहीं जा रहे हो तो सीट हाई पे है तो उससे आप बहुत थक जाते हो, टूरिंग करते हो, बीइंग अ स्पोर्ट्स बाइक की बैक ऐसी हो जाती है, लोअर बैक की बैंड ही बजाती है, यू नो। तो इसमें अच्छे से जैसे आप क्रूज कंट्रोल 57 पे मैंने सेट कर दिया है तो आप स्पीड लिमिट अपनी मर्जी से सेट कर सकते हो कितना भी। तो अच्छे से सेट हो गया है और बाइक स्टेडी स्पीड पे चल रही है, बिल्कुल सीधा, ना मेरे को झुकना पड़ रहा है ना कुछ। सो क्रूज कंट्रोल इज़ रियली हेल्पफुल एंड इट्स वेरी मच सो नीडेड, बहुत काम की चीज़ है भाई क्रूज कंट्रोल। सो दिस इज़ अ मस्ट हैव इन एवरी बाइक। सो मैं ZX 10R के इस फीचर से तो बहुत खुश हूँ भाई, मज़ा आ गया मेरे को इससे क्रूज कंट्रोल से। तो इस वीडियो में लास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इस राइडिंग मोड्स ZX 10R में कैसे चेंज करें। सो राइडिंग मोड चेंज करने के लिए आपको यू हैव टू प्रेस दिस बटन और दिस बटन। सो दोनों में से कोई सा भी आप एक बटन दबा सकते हो। सो अभी रोड पे है एंड ऊपर से वाले प्रेस करके रखा तो स्पोर्ट्स हो गया, अभी नीचे वाला प्रेस किया तो फिर से रोड हो गया, एंड फिर से नीचे वाला प्रेस किया तो रेन हो गया। तो इसमें यही तीन मोड है। तो नॉर्मली मैं जैसे रोड पे चला रहा हूँ तो इसको मैं भी रोड वाले मोड पे चला रहा हूँ, सो वो बेस्ट है। एंड लाइक ज़्यादा पावर चाहिए तो उसके लिए आई थिंक लाइक स्पोर्ट्स वाला मोड इज़ गोइंग टू द बेस्ट। सो अभी मेरे को 4000 RPM पे चलानी है, 5000 RPM पे चलानी है तो इसलिए मैं रोड वाले मोड पे चला रहा हूँ। तो बट 4000 मैंने तो यार इसको 10-12 पे पहुँचा भी दिया भाई, रुका ही नहीं जाता है। तो भाई ये है बेसिक से इसके मोड्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये सबको पता होना चाहिए जो भी ZX 10R चला रहा है। सो दीज आर द वेज यू कैन यूज़ दीज मोड्स। सो गाइज अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।